हाय गाइज, माई सेल्फ अभिषेक चक्रवर्ती एंड आप देख रहे हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो गाइज़, आज मैं बात करने वाला हूँ धातु रोग के ऊपर। ठीक है, तो जो ये धातु रोग है, ये एक लगभग हर तीसरे चौथे मेल को, लड़के को ऐसा होता है कि उसको लग जाता है कि यार ये धातु रोग है, धातु रोग हो रहा है मुझे। तो इसके लिए बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी हैं। अब होता क्या है, वैसे तो मेडिकल डिक्शनरी में ऐसा कोई भी डिज़ीज़ नहीं है। ठीक है, धातु जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। ये एक वाइट कलर का एक डिस्चार्ज होता है, जो बेसिकली होता क्यों है, ये इसलिए होता है कि जो प्रीनियल मसल होती हैं वो स्ट्रेन हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो यूरिथ्रल ग्लैंड है और जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड है, उनमें से जो फ्लूइड भरा रहता है ना, तो वो स्क्वीज़ हो जाता है पेनिस के द्वारा। तो अब वाइट कलर का एक डिस्चार्ज भी आता है, तो लोगों को लगता है कि यार इससे बहुत ज़्यादा कमजोरी आती है एंड एंजाइटी होने लगती है, बहुत परेशान रहने लगते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे नीम हकीम बाबा, बंगाली डॉक्टर साहब, इस तरह के बहुत सारे लोग जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इस मरीज़ के जो डर को होता है ना, तो उस डर का फ़ायदा उठाते हैं वो लोग और काफ़ी मेडिसिन उसको खिलाते रहते हैं, और जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके लिए प्लेसिबो थेरेपी यूज़ होती है, जो कि मल्टीविटामिन IM इंजेक्शन दिया जाता है, और साथ में एस्पिमेन टैबलेट जो होती है वो उसको 3 महीने तक कंटिन्यू इस्तेमाल करना रहता है। और हाँ, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना रहता है। और अच्छी नींद के लिए शंखपुष्पी या फिर किसी हर्बल प्रोडक्ट का ऐसा यूज़ करना चाहिए जो कि आपको नुकसान भी नहीं देगा और नींद अच्छी आएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।